इससे पहले कि हम ये वाला लेसन स्टार्ट करें, आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ एक छोटी सी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करें। सो अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ तीन लंबे सांस लें। ये एक्सरसाइज हमने क्यों की? ये एक्सरसाइज हमने इसलिए की बिकॉज आजकल की इस डिजिटल दुनिया में वी गेट सो बिजी दैट वी फॉरगेट टू थिंक दैट आवर माइंड नीड्स रेस्ट। और अभी तक आपने इतने ज़्यादा जो लेसन सीखे हैं, आपको माइंडफुलनेस की इस तरह की एक्सरसाइज और भी ज़्यादा करनी चाहिए सो यू कैन हैव अ बेटर माइंड। बिकॉज इफ़ यू हैव अ बेटर माइंड यू विल हैव अ बेटर एंड सक्सेसफुल लाइफ एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। रिलैक्स करना ना भूलें। जिंदगी एक रेस है, हम सब जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू वाइंड डाउन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील योर स्पिरिट। ओनली देन यू विल बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर और स्मार्ट वर्कर विद वर्डप्रेस। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी हैव लर्नड सो फार एंड व्हाट वी विल बी लर्निंग इन द फ्यूचर। आपको अपना ऑब्जेक्टिव याद है, आपने क्या सेटअप किया था? नहीं तो प्लीज़ दोबारा उस ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करें एंड लेट्स डू अ क्विक रैप कि वर्डप्रेस क्या है, क्या चीज़ें अभी तक आपने सीखी। बट इस लेसन में मैं रीकैप करने से ज़्यादा आपको फोकस कराना चाहूँगा कि आपने अपना एक इमेज कैसे एडिट या डिलीट करना है, एंड दैट्स गोइंग टू बी आवर फोकस फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। सो आफ्टर यू क्लिक एन इमेज that has already been inserted in your post or page, ek chhota sa toolbar uske upar aapko nazar aayega aur wo toolbar will allow you to make changes jisse aap image ko edit ya delete ya remove kar sakte hain। thoda sa fark samjhiyega dono cheezon mein ke delete aur edit ya remove mein kya fark hai। so wo jo aapko chhota sa ek bar nazar aa raha hai image add karne ke baad, जब आप उस पर एक्स क्लिक करेंगे तो इमेज रिमूव होगा। दैट डज नॉट मीन दैट द इमेज हैज़ बिन डिलीटेड। सो इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा और उस टूल बार को यूज़ करते हुए, और आपको यहाँ पे इमेज एक नज़र भी आ रहा होगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू कैन अलाइन इमेजेस और यू कैन इवन रीसाइज देम। सो इस स्क्रीन को अपने सामने यहाँ पर देखें और इसमें जो एक टूल बार है इमेज के ऊपर उसको देखें। That toolbar will allow you to resize images, that toolbar will allow you to align images, and that toolbar will allow you to edit or remove images. एक छोटा सा pencil का icon है, वो icon click करके आप image को edit कर सकते हैं। And you can see it live here कि एक वो छोटा सा pencil का icon है, जब भी आप किसी inserted image पर उसको एक दफ़ा click करेंगे you will be able to see that icon. So now is the time and we are going to see कि आप एक image को कैसे detail में edit जो है वो कर सकते हैं। So let's do it. Let's open my site जो कि है DigiSkills.pk/webhostapp.com और वहाँ से इस साइट पर मैं लॉगिन करूँगा। I'll try to look for a login link in the sidebar, लेकिन चूँकि वो मुझे नज़र नहीं आ रहा तो I'll go back and I'll click on the URL box और मैं लिखूँगा /wp-admin और वहाँ से I can log into the website। वेबसाइट पर लॉग इन करते ही मैं जाऊँगा एक नई पोस्ट पे एंड आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक नई पोस्ट ऐड की। सो बिफोर इवन एडिटिंग एन इमेज, वट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन? सोचे ज़रा, we need to add an image। तो
इस पे थोड़ा सा काम करते हैं. लेट्स फर्स्ट ऐड एन इमेज एंड देन लेट्स ट्राई टू एडिट इट. सो क्लिकिंग ऑन ऐड मीडिया. अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने इमेजेस पहले यहाँ पे ऐड किए थे ये ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुके हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इमेजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये आपकी कंप्यूटर पे नहीं सेव, नाउ दे आर एडिड ऑन योर वेबसाइट. एंड इसका आपको थोड़ा सा इसलिए भी ख्याल करना पड़ता है बिकॉज ईच इमेज इज़ एडिंग अगेंस्ट योर वेबसाइट स्टोरेज कोटा. तो आप जितने ज़्यादा इमेजेस ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टोरेज स्पेस कम होगी. तो प्लीज़ देख के इमेजेस ऐड करें. और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत बड़े इमेजेस जो हैं वो ऐड ना करें, 10-10 MB के इमेजेस ना ऐड करें, उससे आपकी स्पेस जल्द यूटिलाइज होगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद वेरी स्मॉल स्पेस. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लिक ऑन वन इमेज. आई लव दिस इमेज ऑफ लाहौर. लाहौर का ये एक इमेज है, मुझे बहुत पसंद है, हमारी रिकॉर्डिंग भी इधर लाहौर में हो रही है. तो वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट इनटू पोस्ट. आई विल नेम दिस आई लव लाहौर एंड आई विल क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट. और हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये इमेज सामने नज़र आ रहा है. सो आप देख रहे हैं ये इमेज सामने भी वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे नज़र आ रहा है. बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एडिटिंग दिस इमेज. तो मैं क्लिक करूँगा इस इमेज पे और अब आप देख रहे हैं वो पेंसिल आइकन एकदम से नज़र आ गया. और हम इन चीज़ों को थोड़ा मूव अराउंड करते हैं तो ताकि वी कैन सी के हाउ वी कैन एडिट और डिलीट एन इमेज. अगर मैं इसको अलाइन राइट करूँगा तो आप देखेंगे कि कैसे इमेज मूव कर जाएगा. सो इफ़ आई क्लिक ऑन अलाइन राइट एंड इफ आई सेव द इमेज और अगर मैं अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करूं तो मुझे नज़र आएगा कि वो इमेज की अलाइनमेंट जो है आप देख रहे हैं वो चेंज हो गई है. सो दिस इज़ कॉल्ड इमेज अलाइनमेंट. इमेज अलाइनमेंट से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि पेज पे आपको अलाइनमेंट कहाँ चाहिए. आपके पास चार ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और नो अलाइनमेंट. सो दिस इज़ वन वे. सो द अदर थिंग दैट यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इज यू वॉन्ट टू एडिट दिस इमेज. तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड इस इमेज को एडिट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कैप्शन की. कैप्शन अगर आप कोई डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. अल्टरनेटिव टेक्स्ट की आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है. साथ साथ आपको अलाइनमेंट की दोबारा बात हो रही है. अगर आप किसी इस इमेज को किसी से लिंक करना चाह रहे हैं वो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे. आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप यहाँ पे SEO के लिए ऐड कर सकते हैं. साथ साथ आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जिसका नाम है साइज़. सो साइज़ में अगर आप देखें कि मैं फुल साइज़ पे ये इमेज ले जाऊँगा सो इट विल गिव मी अ बिगर इमेज. एंड इफ़ आई क्लिक ऑन अपडेट ये देखें इमेज जो है वो बड़ा हो गया है. आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट एंड दैट विल गिव मी एन आइडिया कि ये इमेज अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी अलाइनमेंट कैसे चेंज हुई. अब आप देखें इमेज बड़ा हो गया सामने. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ एडिटिंग दिस इमेज. उसके अलावा अगर आप इस इमेज को रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव हो गया इमेज. आई कैन क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट और आप देखेंगे ये सामने से भी निकल गया है. बट याद रखिएगा ये इमेज डिलीट नहीं हुआ. सो ये इमेज अभी सिर्फ रिमूव हुआ है. टू डिलीट दिस इमेज आई विल हैव टू गो बैक टू माई मीडिया लाइब्रेरी. आप देख रहे हैं रिमूव हुआ है लेकिन डिलीट नहीं हुआ. आई विल हैव टू क्लिक डिलीट परमानेंटली. जब मैं डिलीट परमानेंटली क्लिक करूँगा तो ये इमेज डिलीट हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी से और आपकी जो वेबसाइट का स्टोरेज कोटा है दैट विल फ्री अप. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसके अलावा एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ये कैप्शन टाइटल भी हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी इमेज को अगर एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यू गेट ऑप्शंस टू एडिट दिस इमेज लाइक क्रॉपिंग इट. अगर मैं इमेज को क्रॉप करना चाहूँ आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि देखें आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन सेव इट. ये हम डिटेल में आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे बट माई ऑप्शन वॉज जस्ट टू शो यू कि आप इमेजेस को एडिट और रिमूव कैसे कर सकते हैं. सो यूज़ दिस पावरफुल फीचर ऑफ वर्डप्रेस बिकॉज दिस अलाउज यू टू एडिट इमेजेस. और आपको अब पहले से कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको लाइव कर सकते हैं वर्डप्रेस में. सो आई होप यू एंजॉयड.